अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान सीरीज़ डे 7 दाऊद के लिए मैंने बनाई है स्टेक। दाऊद आपने तो खाते कि कोरमा नहीं, मैंने आपके लिए सरप्राइज़ तैयार किया, स्टेक बनाई आपके लिए। कैसा लगा? आपको तब भी नहीं पता चला। और ये है मेरी आज की सहरी, पाए के शोरबे के साथ पराठा खाऊंगी। और अब मैं पढ़ने लगी हूँ कुरान मजीद, क्योंकि अभी नमाज में काफ़ी टाइम है। और अब फजर की नमाज पढ़ी है। और ये दाऊद साहब कमरे में क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि सुबह छुट्टी है इनको जी। तो अब मैं सो के उठ गई हूँ, और आज डिसाइड करना है अभी कि आज इफ्तारी में क्या बनेगा। देखते हैं आज इफ्तारी में क्या बनता है। किचन में आई हूँ, इधर मिक्स पकौड़ों की तैयारी की है। मिक्स पकौड़े बेसन वाले, ये तो लाजमी बनते हैं। तो दाऊद का रोज़ा है आज, तो दाऊद कह रहा है कि उसको चाहिए न्यूट्रेला स्लाइस चाहिए, और वो साथ में बेसन वाले चिप्स खा लेगा, पकोड़े भी खा लेगा। तो दाऊद के लिए बनाने लगी हूँ न्यूटेला स्लाइस। आज मैं पालक के पत्तों पे बेसन लगा के जो फ्राई करते हैं वो भी बनाऊँगी। इसके लिए मैंने पालक के पत्ते धो लिए हैं, अब उनको मैं टिश्यू पेपर से अच्छे से खुश्क कर लूँगी, ताकि वो जब आप बेसन लगा के फ्राई करते हैं ना तो छींटे नहीं पड़ते ऑयल के। और अब मैं दाऊद के लिए न्यूटेला स्लाइस तैयार करने लगी हूँ। ब्रेड के किनारे काट के इनको मैं थोड़ा सा तवे पे सेक लूँगी, और फिर न्यूटेला लगा के तो उसके लिए सैंडविच तैयार कर दूँगी। स्टेक भी मैरिनेट करके रखी हुई थी, लेकिन उसने स्टेक नहीं खाई, उसे न्यूटेला स्लाइस ही चाहिए था। और आपका रमज़ान कैसा गुजरा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके घर क्या क्या बनता है इफ्तारी में? और पहला अशरा चल रहा है तो उसकी दुआ पढ़ना ना भूलिएगा। अब मैं इसको दरमियान में से काट रही हूँ। इधर मैंने अपने बेसन वाले चिप्स भी डाले हुए हैं, वो भी फ्राई हो गए हैं, अब इनको भी निकाल रही हूँ। रोज़ाना ही समझ नहीं आता कि क्या करें, लेकिन करते करते माशाल्लाह से बहुत कुछ हो जाता है इफ्तारी के टाइम तक। और ये पालक के पत्ते जो थे, पालक के पकोड़े, वो भी फ्राई हो गए हैं। और जी तो ये हमारी आज की जो चीज़ें थी इफ्तारी की, वो हो गई हैं तैयार। जी तो ये है हमारी आज की इफ्तारी, और अब अजान का वेट कर रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ डी ग्राउंड, थोड़ा सा सामान लेना था, तो अब हम चलते हैं डी ग्राउंड की तरफ। जी तो ये हम डी ग्राउंड पहुँच गए हैं। अब मैंने जाना है सिटी मेगा मार्ट, वहाँ से थोड़ा सा सामान लेना है। जी तो ये मैं आ गई हूँ सिटी मेगा मार्ट पे। यहाँ से मैंने टॉर्टिलास लेने थे, चीज़ लेनी थी, और ब्रेड, अंडे, इस तरह की थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी। ये हमारा बिल हो गया है। बेकर्स इन आई थी पफ पेस्ट्री लेने, पर इनके पास ख़त्म हुई हुई है, तो अब हम आए हैं गोलगप्पे खाने। ये मज़ेदार से चटपटे से गोलगप्पे, गोलगप्पे की क्रेविंग हो रही थी, और साथ में इसके खट्टा, बहुत मज़े का ठंडा सा। अब आए हैं मैकडोनल्ड्स। दाऊद साहब इसको देख के बहुत खुश हुए हैं। यहाँ से इन्होंने खानी है आइसक्रीम। जी तो ये हमारा ऑर्डर आ चुका है, अब हम चलते हैं घर की तरफ। अब हम मैं जा रही हूँ घर वापस।
जी ये मैं पहुंच गई हूँ घर। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।